ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसको लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे बाई सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया और हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की रहेगी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, सी का क्या हो गया हर, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, ठीक, और इट का इट, ठीक है। एक इट, आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, यू का यू। तो आपको रिकॉल मैंने करा दिया, एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना है तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड जो होगी जिस टेंस की होगी, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। आप इसे नोट कर ले, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा नया टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसे आप पहले नोट करें। तो लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन हो जाती है, हो जाती है। कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज करेंगे, हैज बीन या हैव बीन। कोई आपसे पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो आप क्या बताएंगे डियर स्टूडेंट, हैज बीन या हैव बीन। क्लियर है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आते हैं, ठीक है। तो नोट करें, ठीक है, लिखिए
आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन द लेटर। एग्जाम्पल आप नोट करें, फर्स्ट नंबर आई हैव रिटेन अ लेटर। आपने क्या देखा, आई हैव रिटेन अ लेटर, हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है, वह आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो आई हैव रिटेन अ लेटर, इससे हम जान गए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब है या हैव दिया है और साथ ही साथ उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा। अ लेटर, अ लेटर हैज बीन रिटेन, रिटेन उसके बाद बाय। अब देखिए आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट, मी। आई का क्या होगा, मी। तो कह रहा आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपने क्या आंसर दिया, ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय मी। अतः परफेक्ट टेंस में यही आपको बेनिफिट है कि इसमें थर्ड फॉर्म दिया रहता है, आपको थर्ड फॉर्म पहले से ही पता रहता है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, ठीक है, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यह निगेटिव सेंटेंस दिया है, क्योंकि देखिए हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, द वॉच क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, हम इसे चेंज करके सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा द वॉच, द वॉच। ठीक, अब द वॉच क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा हैज नॉट बीन। देखिए यही गलती होती है आपसे, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, हैज नॉट बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय, यू का यू ही होता है, यू सब्जेक्ट भी है और यू आपका ऑब्जेक्ट भी है। तो आपने देखा यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, आपने इसको चेंज कर दिया, द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाई यू, द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाई यू। आप इसे नोट कर लें। नोट हो गया। आइए अब हम इसके इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। हैज
ही किल्ड द स्नेक किल्ड द स्नेक क्वेश्चन मार्क। आपने क्या देखा कि हैज ही किल्ड द स्नेक, यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो जब यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसका मतलब यह क्या आपका हो गया, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव का कौन सा रूल हो गया, यह फर्स्ट रूल हो गया। तो आइए हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो वह भी हम कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या हो जाएगा, हैज द स्नेक नॉट, नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, बीन किल्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, किल्ड बाय हिम। तो आपने देखा हैज ही किल्ड द स्नेक चेंज इन टू पैसिव वॉइस, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय हिम, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, देखिए व्हाट हैव यू डन टुडे, व्हाट हैव यू डन टुडे, व्हाट हैव यू डन टुडे। क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैव यू डन टुडे। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, यह क्वेश्चन वर्ड से आपका स्टार्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, बट इसका आइए हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। देखिए व्हाट, ठीक है, What has been done by you का यू ही होगा और टूडे का टूडे हो जाएगा, टी ओ डी ए वाई क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, What have you done today का आपने पैसिव वॉइस बनाया, तो आपने देखा What has been done by you टूडे, आपने देखा व्हाट हैज बीन डन बाय यू टूडे। तो आपने क्या देखा, यदि यह क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो हम इसे क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु, अभी आपको हु से बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले देखिए, they have completed this work तो आप इसे क्या बना देंगे, this work has been completed by them question mark, sorry full stop। आपने देखा कि यदि present perfect tense है तो उसे active से passive voice में जब आप change कर रहे हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जा रही है, हैज बीन,
और हैव बीन हो रही है। ठीक है, क्लियर है, इसे नोट कर लें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भी टेंस का यदि सेंटेंस हु से ही स्टार्ट हो, हु डब्ल्यू एच ओ हु से ही स्टार्ट हो, तो हम उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। जैसे दे दे किसी भी टेंस का हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर, यह देखिए इंट्रोगेटिव है और किस टेंस का है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, हु ब्रोक दिस चेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आए भी हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन दे दिया हु ब्रोक दिस चेयर, तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले जान लीजिए हु स्वयं में सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और दिस चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हु से शुरू हो तो आप हु के जगह पर क्या लिखेंगे, बाई होम, क्या लिखेंगे, बाई होम, बाई होम है। अब ये किस टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, किस में, देखिए ब्रेक ब्रोक, ब्रोक क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉज में बदल लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज वर्ब, बाय होम वाज। अब देखिए ये दिस चेयर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लेंगे दिस चेयर, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, बी आर ओ के एन, ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क, बाय होम वाज दिस चेयर ब्रोकन। तो आपने क्या देखा, यदि सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो आप हु के जगह पर क्या लगा रहे हैं, बाय होम वाज दिस चेयर ब्रोकन। तो इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए कैसे बनाएंगे, यदि सेंटेंस यदि वाक्य आपका हु से स्टार्ट हो, यदि नोट्स कर लें, यदि वाक्य या सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हु के प्लेस पर या हु के स्थान पर बाई होम लिखते हैं, बाई होम लिखते हैं, कह रहा है कि यदि सेंटेंस हु से स्टार्ट हो और उसे पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हु के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, बाय होम लिखेंगे, हु के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, बाय होम लिखेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बाय होम, ये ध्यान रहे डब्ल्यू एच ओ एम। तो आपने देखा यदि सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो मैं भी क्या बाय होम से स्टार्ट किया हूं, हु ब्रोक दिस चेयर, बाय होम वाज दिस चेयर ब्रोकन। ठीक है, क्लियर है, आप इसे नोट कर लें तब आगे हम बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या हो जाती है? हैड बीन। क्या हो जाएगी? हैड बीन। तो लिखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाती है, हैड बीन हो जाती है। आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट? यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है सेंटेंस तो उसको यदि पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगी? हैड बीन। क्या यूज करोगे? हैड बीन। अभी आप एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? हैड बीन। तो लिखिए आई, एग्जाम्पल देखें, आई हैड रिटन एन एसे। आपने क्या देखा? आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आपने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड है, इसीलिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? एन एस से। तो हो जाएगा एन एस से हैड बीन रिटेन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी। आई का आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई हैड रिटन एन एसे, एन एसे हैड बीन रिटन बाय मी। ठीक है, आपने देखा एन एसे को हम लोगों ने क्या किया? एन एसे को हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी हो गया। क्लियर है? नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए, सी हैड नॉट ईटन द मैंगोज,
eaten the mangoes. देखिए ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हैड के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है और वह भी किस टेंस का है, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको बनाते हैं। आपने फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द मैंगोज। तो यहां लिखिए द मैंगोज। उसके बाद देखिए मैंने कहा है नॉट कभी भी प्रयोग करेंगे दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, तो यहां हो जाएगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन ईटन बाई सी का क्या होगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। तो आपने क्या देखा, सी हैड नॉट ईटन द मैंगोज हैड नॉट बीन ईटन बाई हर, द मैंगोज हैड नॉट बीन ईटन बाई हर, आपने इसे देखा। नेक्स्ट देखिए, हैड माय मदर टॉट मी हिंदी, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक मी दिया है एक हिंदी दिया है, आप दोनों से बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि हिंदी क्या है, निर्जीव है और मी कुछ सजीव है, तो मी को ही लेकर बनाइए कि गलतियां कम होंगी, हम दोनों से बना सकते हैं। तो मी को हम बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपका दिया है हैड आई। अब देखिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम नॉट का नहीं प्रयोग करेंगे, बीन लगा देंगे, हैड आई बीन टॉट टॉट हिंदी बाय माय मदर। हैड आई बीन टॉट हिंदी बाय माय मदर, आप हिंदी से भी बना सकते हैं, हैड हिंदी बीन टॉट बाय मदर टू मी, ऐसे आप हिंदी को भी लेकर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टेंस, वह आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगला टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अभी हम लोगों ने दो टेंस पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे। तो लिखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को
एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो जाती है कर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। डियर स्टूडेंट आपने देखा जितने परफेक्ट टेंस हैं उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय उनके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। चाहे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, पास्ट परफेक्ट को देखा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई और फ्यूचर परफेक्ट को देखा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। तो आपने देखा क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे विल है बीन या शैल है बीन। नोट करें एग्जांपल देखिए She will have completed this work आप देख रहे हैं विल हैव आ गया या शैल हैव आ गया तो वह आपका कौन सा टेंस होगा वह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो दिस वर्ब को आप क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं दिस वर्ब तो हो जाएगा दिस work will have been इसकी helping verb क्या होगी will have been। देखिए this work will have been completed by C का क्या हो जाएगा हर सी का ऑब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे हर। तो आपने देखा सी विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो आपने सी का क्या बना दिया हर बना दिया। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड they will not have beaten the thief kara they will not have beaten the thief भाई चोरी करेंगे सजा मिलेगी। तो कह रहा है कि दे विल नॉट हैव
यहां पर क्या निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है तो हम इसे पैसिव वाइज क्या निगेटिव में बनाएंगे। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, द थीप। तो द थीप आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे आप सब्जेक्ट बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, द थीप। ये चेंज तो होगा नहीं, द थीप विल नॉट हैव बीन। यही गलती आप लोग करते हैं पेपर में, देखिए विल के बाद नॉट लग गया, द थीप विल नॉट हैव बीन बीटन बाय देम। द थीप विल नॉट हैव बीन बीटन बाय देम, देखिए They will not have beaten the thief. The thief will not have been beaten by them. आपने क्या देखा, यदि negative है आपने उसको negative में ही बनाया। Next देखिए, will द पुलिस, विल द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। आप देख रहे हैं यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, आपने देखा विल द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स, आपने देखा विल से स्टार्ट है और हैव भी दिया गया है तो यह किस टेंस में हो गया, यह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल रहे हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन हो जा रही है। तो डियर स्टूडेंट इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट द रॉबर्स, डाकू, यही ना दिया है। तो यहां लिखिए द रॉबर्स विल द रॉबर्स, अब नॉट नहीं दिया है तो छोड़िए हैव बीन, नॉट नहीं है तो नॉट यूज भी नहीं करेंगे। विल द रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड, अरेस्टेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। Will the police have arrested the robbers? Will the robbers have been arrested by the police? इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि निगेटिव है तो निगेटिव में हमने कैसे बनाया, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने कैसे बनाया। इस तरह से आपके जो टेंस थे उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस इंड हो गए, समाप्त हो गए। आपने क्या देखा कि आठ टेंस थे और आठों टेंस का आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया और देखा। अब कुछ चीजें हैं, देखिए कैसे इसको नोट कर लीजिए तब आगे हम बताते हैं, आपके पेपर में आते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखिए यदि सेंटेंस प्लीज से शुरू हो या काइंडली से शुरू हो, यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो, यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो
तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्लीज या काइंडली के जगह पर के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड You are requested to लिखते हैं कह रहा है कि यदि प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है तो आप प्लीज या काइंडली के जगह पर क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू उसके बाद शेष सेंटेंस को ज्यों का त्यों नोट कर लेते हैं प्लीज के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिए और प्लीज के बाद जो सेंटेंस दिया है उसे आप क्या करते हैं नोट कर लेते हैं उसे आप उतार लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा कि यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से ही स्टार्ट है तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हम क्या करते हैं प्लीज या काइंडली के जगह पर You are requested to लिख देते हैं ठीक है क्या लिख देते हैं You are requested to ठीक है जैसे प्लीज गिव हिम अ बुक मान लीजिए इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन आपको दे दीजिए आप प्लीज गिव him or please give him a book देखिए यह please से start है और इसे आपको passive voice में change करना है तो आप please के जगह पर क्या लिखेंगे मैंने अभी लिखवाया है please के स्थान पर आपको लिखना है you are requested to क्या लिखोगे you are You are requested to उसके बाद हमने कहा है जो शेष सेंटेंस है जो ये शेष वाक्य है उसे आप ज्यों का त्यों वही नोट कर लेंगे अर्थात प्लीज के बाद जो भी है इसे आप यहाँ पर नोट कर लेंगे गिव हिम अ बुक तो आपने देखा प्लीज गिव हिम अ बुक यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक ठीक है आप देखते हैं लिखते हैं प्लीज गिव मी अ पेन प्लीज गिव मी अ पेन आपने देखा प्लीज से स्टार्ट है तो प्लीज के जगह पर आप क्या लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन You are requested to give me a pen.
प्लीज के जगह पर आपने क्या नोट कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आप एकदम ध्यान रखिए, यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से ही स्टार्ट है तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्लीज के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज या काइंडली को हटाकर जो शेष सेंटेंस होते हैं उसे हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। नोट करिए इसे। अब देखिए आपका इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हो और आदेश दे, एडवाइज दे, कमांड करे, रिक्वेस्ट करे, वही आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जो प्लीज होता है वह भी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। लेकिन मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और आपको एडवाइस रिक्वेस्ट दे रहा है लेकिन आपको क्लियर नहीं है, तो कैसे आप इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको इससे आना ही है, इससे आपको वन क्वेश्चन मिलना ही है, चाहे वह आपका कंपटीशन हो और चाहे आपका वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो। तो देखिए जैसे आपको दे देता है क्वेश्चन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट, शट द डोर, शट द डोर। आपने देखा कि ये सारे सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट है और कोई आदेश दे रहा है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट है, अर्थात जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, यह हम सीखने जा रहे हैं। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखिए आप इसके फार्मूला को जानेंगे, इसका फार्मूला क्या है, सूत्र जान लीजिए क्या है। यदि आपका सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, एल ई टी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। ए आपको ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हो तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी इसके नियम है लेकिन सबसे इजी आप जान लीजिए, लेट से आप स्टार्ट करेंगे, कौन, जब सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना रहे और आपका वो क्या इंपरेटिव सेंटेंस में दिया हो तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अभी देखिए आपका दिया है ओपन द डोर, आपका ये दिया है सेंटेंस ओपन द डोर, क्या दिया है, आइए इसको हम बनाते हैं। आपका सेंटेंस दिया है ओपन द डोर, ये देखिए ओपन द डोर, इट इज स्टार्टेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब, द वर्ड है ओपन। तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहां लिखेंगे लेट, देखिए मैंने लिख दिया लेट।
ऑब्जेक्ट क्या है, किसको खोलो, दरवाजा खोलो, तो द डोर यहां लिख देंगे, लेट द डोर, लेट द डोर। अब क्या लगाना है, बी लगाना है, लेट द डोर बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड, ओ पी ई एन ए डी, आपने क्या दिया, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। आपने देखा कि यदि सेंटेंस जो वाक्य है वह आपका यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है अर्थात इंपरेटिव में है तो आप उसको लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट, नहीं आप कहते नौकर को बुलाओ, कॉल द सर्वेंट। अब देखिए यह भी आपका किससे शुरू है, ये आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। तो आपने क्या देखा, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो आप उसको एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बना रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखिए। नेक्स्ट आप देखेंगे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, नेक्स्ट आपका क्या, इसको नोट कर लीजिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। देखिए यह भी आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है तो हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प। आपने क्या देखा कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए इंपरेटिव का ये दे दिया है, ठीक है, असर्टिव में, मान लीजिए निगेटिव में दे दे तो हम इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए दे देता है डोंट, क्वेश्चन आपको दे दे अब देखिए डोंट डिस्टर्ब मी आ गया क्वेश्चन, निगेटिव में हो गया, इंपरेटिव है लेकिन नकारात्मक हो गया। तो जब डू नॉट से स्टार्ट हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप देख रहे हैं कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वह सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। यदि यह इंपरेटिव डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो उसे भी लेट से बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे यह आपको ध्यान देना है। आप क्या जो बी लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के बाद जो बी लगा रहे हैं उसी से पहले आपको नॉट लगाना होगा, अर्थात जब आप इसका बताएंगे एक्टिव से पैसिव आए तो आप लिखेंगे लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। आपने देखा जब निगेटिव में दिया है तो आप उसको बना रहे हैं तो आप क्या लगा रहे हैं, उसको लगा दे रहे हैं बी से पहले नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ने डू नॉट टेल ए लाई, दे दे आपका सेंटेंस डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल ए लाई। अब डू नॉट से स्टार्ट है और टेल ए लाई देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है,
तो जब डू नॉट से स्टार्ट है तो आप क्या करेंगे, इसको जब आप बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो आप लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, ठीक है, एल आई नॉट बी टोल्ड, लेट एल आई नॉट बी टोल्ड, डोंट टेल एल आई, लेट एल आई नॉट बी टोल्ड। अर्थात आप फार्मूले में क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यदि डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, पहले लेट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, बी लिख रहे हैं, उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह है यदि सेंटेंस क्या डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो हम डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए लेट, ऑब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। इस तरह से आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यह कंप्लीट हुआ। कभी कभी किसी भी किताब में आप देखेंगे इसको एडवाइज, आर्डर में भी बनाया रहता है, उसे भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको पहले आप नोट करिए। देखिए, नोट कर लिए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मान लीजिए ये आपको दे दिया गया, ओबे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब इसको आप लेट पर भी बना सकते हैं, या तो आप देखिए ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यह आपको क्या सलाह दिया जा रहा है कि सड़क के नियमों का आप क्या करें, पालन करिए, ओबे, ओबे माने आज्ञा का पालन करिए, तो यह आपको सलाह दिया जा रहा है, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं यू पर, तो यह आप बना सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। तो आप इंपरेटिव सेंटेंस को देखा डियर स्टूडेंट्स, अब आपका एक मॉडल बनता है, मॉडल में क्या होता है, शॉर्टकट में आपको हम बता देते हैं, जैसे आपका होता है, ठीक है, me, might, me, might, can, could, shall, should, will, shall, should, will, would, इट इज, ये आपके मॉडल्स होते हैं। अब इसको आपको जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना रहता है तो इसके हेल्पिंग मे माइट कैन कुड जो भी दिया है इसके साथ बी ई जोड़ देते हैं, अर्थात जब इसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मे बी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मे बी, माइट बी, माइट बी, कैन बी, कैन बी, कूड बी, कूड बी, शैल बी, शैल बी,
एटीसी। इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब मॉडल्स को बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, शैल बी हो जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस को पढ़ा और उसको देखा, आपने पूरे टेंस को पढ़ा, इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ा और मॉडल्स को भी मैंने बता दिया कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसमें बी ई जोड़ दीजिए, वह आपके जो हो जाएंगे वह एक्टिव से पैसिव वॉइस के काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस को कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद जो ग्रामर का आएगा वह कल पढ़ा जाएगा। आई होप आपको पूरी तरह से क्लास समझ में आ रही होगी और आप कंटिन्यू इस क्लास को देख रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपके बोर्ड में इसी से आना है। ओके, थैंक यू, वेलकम।